ज्यादा हो गई है, ये इधर इधर घुमाना कैमरामैन। नमस्कार दोस्तों, आज इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि चूरमा दाल कैसे बनाते हैं। दाल तो बना दी है, इसके अंदर आप देख सकते हैं दाल है हमारी रेडी है, और ये चूरमे का जो क्या बोलते हैं आटा लगाया जा रहा है, और ये ज़्यादा ही पतला आटा लगा दिया, इतना पतला नहीं लगाते। अगर आप भी चूरमे का आटा लगाते हैं तो इतना पतला आटा ना लगाएं। ये अभी दोस्तों चूरमा बनके रेडी हो गया है, वैसे पीस लिया मिक्सी से, और अभी इसके अंदर घी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, उसके बाद में गोविंद देव जी के देंगे, फिर वहां से आने के बाद हम खाएंगे चूरमा। इसमें शक्कर ज्यादा हो गई है, ये इधर इधर घुमाना कैमरामैन, प्लीज कैमरे को इधर घुमाना, ये हो रहा था शक्कर कम रहेगी तो इसकी वजह से शक्कर ज्यादा डाल दी है। चलिए दोस्तों, अभी हमारा चूरमा और दाल बन के रेडी हो गई है, और फटाफट 7 बज गए हैं, फटाफट रेडी हो लेते हैं। ये देखिए, आपको सामने की ओर ट्रैफिक दिख रहा ही होगा, क्योंकि शाम का टाइम, शाम का समय है, लोग ऑफिस वगैरह से आते हैं, आज तो वैसे भी मंडे है, छुट्टी वगैरह। ये दोस्तों अजमेर जो पुलिया है, जो एलिमेंट रोड बनी है अभी, जिसको भारत जोड़ो सेतु नाम दिया गया है, वो उस रोड के ऊपर आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना हो रहा है, क्योंकि अभी ऑफिस वगैरह उनकी सबकी छुट्टी हुई है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं जो भी गाड़ी आ रही है वो पीछे रुक रही है, आगे जाने वाली भी रुकी हुई है, और ये उस तरफ वापस जाने की वाली है जो सिंधी कैंप MRMI रोड की तरफ जाती है। अभी हम खड़े हैं रामनगर मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे, और यहाँ से जाएंगे हम बड़ी चौपड़, फिर वहाँ से हवा महल के आगे से होते हुए गोविंद देव जी के वहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम हवा महल के जस्ट सामने खड़े हैं, और आपको हवा महल का नज़ारा भी दिख रहा होगा। ये देखिए कमल पार्क होगा, आज हर दिन जितनी संडे वगैरह वीकेंड वगैरह पे जितनी भीड़ होती है उतनी तो नहीं है, बट हाँ कुछ है फिर भी। और अभी हम गोविंद देव जी टेम्पल के लिए जा रहे हैं यहाँ से। मामा जी है, दादी माँ वाली कहानी वाला जो व्लॉग है उसको कंटिन्यू आज ये कर रहे हैं, उनके व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ये हवा महल के लिए जो यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए जो पार्किंग वगैरह का जो एरिया है, चलो हम आपको वो दिखाते हैं अभी। ये जो सामने का जो एरिया ना, यहाँ पे पार्किंग वगैरह होती है। अब दोस्तों हम कुछ ही कदमों की दूरी पे गोविंद टेंपल से, आपको वहां का नजारा भी दिखाते हैं, और दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ी रोशनी की कमी है, इस वजह से अंधेरा वगैरह आपको व्लॉग के अंदर नजर आ रहा होगा, कैमरे में कोई कमी नहीं है। ये आंटी रही, कृपया करके ऐसे लोगों को अपनी माता बहनों को कैसे बाहर ना निकाले।
द्वार पे ही हम दोस्तों अभी हमने हाथ वगैरह सब कुछ धो लिए हैं, अब चलते हैं मंदिर के अंदर। वैसे तो अलाउड नहीं है यहाँ पे फोन वगैरह ऑन रखना, लेकिन हम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं केवल आपके लिए। ना इन नदी खड़ा जो यहाँ का टाइम दिखाऊंगा पूरी क्या नारगढ़ आ गया नारगढ़ जया गडमू आवे तो चलिए दोस्तों अभी हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे, और हमने हमारे बताए अनुसार आपको जो कि हवा महल है वहाँ के और गोविंद देव जी के मंदिर के आपको दर्शन करवा चुके हैं। मेरे साथ में है टीनू, अभी से ये मेरे साथ में मिलेगा कभी। वैसे तो पढ़ाई करता है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, है ना, लेकिन कभी कभार आ जाता है मेरे साथ में। तो चलिए दोस्तों अपन इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।